सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की। हाँ आओ सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की, गाथा मध्य प्रदेश की। कुछ वर्षों में बदल गई कैसे तस्वीर प्रदेश की। आओ सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की, गाथा मध्य प्रदेश की। पन्ना जिला के अजयगढ़ ब्लॉक मजगाय में मजगाय बांध पर आधारित पेयजल योजना शुरू की जा रही है, जिसकी अनुमानित लागत 196.37 करोड़ रुपए है। इस योजना से अजयगढ़ ब्लॉक के उन गांवों को राहत मिलेगी जिन्हें गर्मी के मौसम में कोसों दूर पानी ढोने के लिए जाना पड़ता है। इस योजना से 118 गांव के लगभग 1,68,441 लोगों को पानी की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। यह योजना आगामी 20 वर्ष की आबादी को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। योजना के प्रारंभ में 16.5 मिलियन लीटर शुद्ध पेयजल प्रत्येक दिन प्रत्येक घर को नल कनेक्शन के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत 26,573 घरों को नल कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। इस योजना को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु मेंटेनेंस का ठेका भी उसी एजेंसी को दिया गया। इस योजना के पूरा होने के 10 वर्ष बाद भी इसके मेंटेनेंस की संपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी WPIL लिमिटेड कलकत्ता द्वारा की जाएगी। इस योजना की खास बात यह है कि रॉ मटेरियल को डैम से लेकर फिल्टर प्लांट से साफ और शुद्ध करके मजगाय की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बनी टंकियों पर स्टोर किया जाएगा और फिर ग्रेविटी के माध्यम से प्रत्येक घर के आंगन में पीने का शुद्ध जल उपलब्ध कराया जाएगा। पानी की सप्लाई हेतु 500 मिलीमीटर व्यास की DIK9 पाइपलाइन को बिछाया जाएगा। इस कार्य में 649 किलोमीटर लंबी जल वितरण नालियां बिछाई जाएंगी जिनका व्यास 100 मिलीमीटर होगा। योजना के तहत किए जा रहे जल के व्यवस्थित वितरण के लिए प्रत्येक गांव में एक पेयजल उप समिति का गठन किया जाएगा। पानी की व्यवस्थित सप्लाई के लिए पाइपलाइन में बाइल का प्रयोग किया जाएगा। इस योजना में 118 गांव के 1,68,441 लोगों को जीवनदायिनी गंगा जल घर पर ही उनके आंगन में उपलब्ध होगा। आओ सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की। हाँ आओ सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की, गाथा मध्य प्रदेश की। पन्ना शहर धर्म नगरी के नाम से देश विदेश में जाना जाता है। मंदिरों के अलावा पन्ना टाइगर रिजर्व भी यहाँ के आकर्षण का केंद्र है। नगर की शोभा को और विकसित करने हेतु वर्ष 2006 में एक सुखद सहयोग पन्ना के साथ जुड़ा, जब पन्ना जिले की तत्कालीन कलेक्टर दीपाली रस्तोगी द्वारा पन्ना में एक भव्य संयुक्त कलेक्टर कार्यालय के निर्माण की कल्पना की गई। कलेक्टर कार्यालय के निर्माण हेतु प्रकृति की गोद से निकलता पन्ना छतरपुर बाईपास मार्ग में पहाड़ी पर 9 एकड़ भूमि आवंटित कर योजना का निर्माण शुरू किया गया। इस भव्य निर्माण में 712 लाख रुपए का निवेश हुआ, जिसकी स्वीकृति प्रशासनिक स्तर पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदान की गई। इस बिल्डिंग के निर्माण की समस्त जिम्मेदारी मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड को दी गई। वास्तुविद आलोक तोमर जी की निगरानी में इस शानदार भवन को भव्य सुंदर और आकर्षक रूप दिया गया। सर्व सुविधा युक्त इस भवन को बुनियादी एवं आधुनिकता से लैस किया गया। इसमें कलेक्टर कक्ष, अतिरिक्त कलेक्टर कक्ष,
एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों हेतु 145 कमरों का भव्य निर्माण किया गया। परिसर को चारों ओर से हरे भरे पेड़ पौधों से संवारा जाएगा। वाहन की पार्किंग सुविधा हेतु भवन के चारों ओर पार्किंग सुविधा की गई है। भवन के हृदय स्थल यानी कि आंगन में दो विकसित उद्यान भवन की शोभा को और सुशोभित करते हैं। बड़े बड़े उद्योग घराने करने लगे निवेश, बने आत्मनिर्भर सब जनता और समृद्ध प्रदेश। ब्याज रहित कृषि ऋण मिलता एक रुपए में राशन, हर थाली में हो खुशहाली सदा इसी उद्देश्य की। आओ सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की, गाथा मध्य प्रदेश की। कुछ वर्षों में बदल गई कैसे तस्वीर प्रदेश की। आओ सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की, आओ सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की। पन्ना जिला के विकास खंड पवई मुख्यालय से चंद मीटर की दूरी पर मुख्य मार्ग पर प्रकृति की गोद में एक हरी भरी पहाड़ी से लगा ये पॉलिटेक्निक महाविद्यालय पवई तथा आसपास के गांव के लोगों के लिए औद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया है। इस महाविद्यालय के लिए वर्ष 2012 में भूमि आवंटित की गई। अक्टूबर 2015 में इस भवन का निर्माण कर प्रारंभ किया गया और 2016 में यह शानदार पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बनकर तैयार हो गया। इस भव्य भवन के निर्माण हेतु शासन द्वारा 787 लाख रुपए का निवेश किया गया। महाविद्यालय में प्रचार कक्ष, बोर्ड रूम, क्लर्क डिपार्टमेंट रूम, सेंट्रल स्टोर कक्ष, हाउसकीपिंग कक्ष, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिस, क्लासरूम, छात्र एवं छात्राओं के अलग अलग बाथरूम, कंप्यूटर रूम, लाइब्रेरी सहित 70 भव्य कमरों का निर्माण किया गया। इस भव्य महाविद्यालय का निर्माण 7,250 वर्ग मीटर में किया गया है। इस औद्योगिक महाविद्यालय में छात्रों के भविष्य निर्माण के लिए वर्तमान में दो विषय संचालित हैं, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए इसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कोर्स को प्रस्तावित किया गया है। भविष्य में होने वाले इस ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति का आगाज वर्ष 2018 में होगा, जिससे पवई तथा आसपास के गांवों को शहर बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हथकुरी बांध परियोजना पन्ना जिला के तहसील पवई मुख्यालय से 13 किलोमीटर पर एक हथकुरी नाम का गांव है। इस परियोजना का निर्माण पत्ने नदी से मिलता एक लोकल नाले पर किया जा रहा है। इस पत्ने नदी में सखी की भूमिका को निभाते कैन नदी इसकी सहायक नदी है। यह योजना में बंधे बांध की लंबाई 2460 मीटर है एवं ऊंचाई 14.50 मीटर है। प्रस्तावित बांध का जल ग्रहण क्षेत्र 14.50 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जल भराव क्षमता 3.721 मिली घन मीटर है। हथकुरी बांध में एक स्लूस बनाया गया है, जिसमें 6 किलोमीटर लंबी एक मुख्य नहर निकाली गई है, जिसमें 3 गांव हथकुरी, रेहुटा और पिपरिया तिवारी के कुल 436 किसान 698 हेक्टर जमीन को सिंचित कर पाएगा, जिससे भूमि पुत्र अपनी जमीन पर खेती कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पाएगा। इस योजना को
मध्य प्रदेश शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के द्वारा वर्ष 2012 को स्वीकृति प्रदान की गई एवं निर्माण कार्य के लिए 1,209.55 लाख रुपए दिए गए। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य गांव की खेती को लाभ का धंधा बनाना। गांव आगे बढ़ेगा तो प्रदेश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। अमानगंज सिमरिया मुख्य रोड को मिलाता यह मार्ग जिसे तिगरा तेराहा कहते हैं। तिगरा तेराहा से यह मार्ग तिगरा, महोड़कला, चांदनपुरा सहित 20 गांव के आवागमन का मुख्य मार्ग है, जिसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत बनाया जा रहा है, जिसकी लागत 15,88,34,000 रुपए है। वर्तमान में यह रोड 10 फीट का है। आवागमन को और सुलभ बनाने हेतु इसे 20 फीट चौड़ा किया जा रहा है, जिससे यहां के किसानों को, जनता को ट्रैफिक से होने वाली परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगामी 20 वर्षों में होने वाले विकास को ध्यान में रखकर इस रोड को तैयार किया जा रहा है। जिला की तहसील पबई से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जिसे पटना कला के नाम से जाना जाता है। इस योजना का निर्माण पन्ना जिला के एक लोकल नाले पर किया जा रहा है, जो कि पत्ने नदी पर जाकर मिलता है। कैन नदी इसकी सहायक नदी है। इस योजना को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश शासन जल संसाधन भोपाल विभाग के द्वारा दिनांक 11 जुलाई 2012 को 1,647.50 लाख रुपए की राशि जारी की गई। योजना पर बनाए जा रहे बांध की लंबाई 2,255 मीटर है एवं ऊंचाई 11.50 मीटर है। इस बांध का क्षेत्रफल 19.18 वर्ग किलोमीटर है। बांध की जल भराव क्षमता 5.333 मिली घन मीटर है। इस बांध में 2 शुरूस बनाए गए हैं, जिससे 6 किलोमीटर एवं 3 किलोमीटर लंबी 2 मुख्य नहरें निकाली गई हैं, जिसमें 5 गांव पटना कला, किन्ना, करिया, सिमरखुर, कुंड गांव के कुल 706 किसानों को 987 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई करने के लिए पानी उपलब्ध हो पाएगा, जिससे हमारे प्रदेश के अन्नदाताओं की आर्थिक उन्नति होगी और खुशहाल जीवन होगा। यही योजना सहनगर से 35 किलोमीटर पर स्थित है। इस योजना में कैन नदी का अमृत स्वरूप जल संग्रह किया जा रहा है। कई गांव को अमृत का वरदान देने वाले इस बांध की लंबाई 506 मीटर है। वर्तमान समय में 174 मीटर का पक्का बांध बनकर तैयार हो चुका है एवं 632 मीटर का मिट्टी का बांध निर्माण अधीन है। बांध की ऊंचाई को 37 मीटर रखा गया है। इस बांध का जल भराव क्षेत्र 995 वर्ग मीटर है एवं जल भराव क्षेत्र 1,790.85 हेक्टेयर है। इसमें जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया है वो लगभग पूर्ण हो चुकी है। प्रत्येक परिवार को 5,500,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। बांध में बाएं तट से एक शिलूस बनाया गया है, जहां से 40.61 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर एवं 60 किलोमीटर लंबाई की 13 माइनरों का कार्य प्रगति पर है। इस योजना में 46 गांव लाभान्वित होंगे एवं 9,992 हेक्टेयर क्षेत्र की जमीन को सिंचित करने के लिए
पानी उपलब्ध होगा। पबई तथा आसपास के 8,850 परिवार लाभान्वित होंगे। किसानों को अमृत प्रदान करने वाली पबई मध्यम सिंचाई परियोजना जिस दिन अपना संपूर्ण रूप धारण कर लेगी, उस दिन भूमि पुत्र कहे जाने वाले हमारे किसानों की उत्पादन क्षमता में 3,98,080 क्विंटल का अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पन्न होगा, जिससे हमारे अन्नदाता कहे जाने वाले किसान भाइयों की आर्थिक उन्नति होगी एवं 46 गांव के विकास के साथ साथ प्रदेश का विकास होगा। सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की।